आज इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि ट्विटर की चिड़िया अब आजाद हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा है। आज इस बात का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होगा कि क्या अब ये जो नीली चिड़िया है ये आजाद हो गई है। असल में इस डील को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति शुरू से ही बड़े हैरान थे, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में है। 2011 से 2021 के बीच इन 10 वर्षों में ट्विटर सिर्फ 2 साल ही फायदे में रही, जबकि 9 साल इस कंपनी को जबरदस्त घाटा हुआ है। वर्ष 2021 में इसे 1820 करोड़ और 2020 में 11,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था, और ये घाटा हम भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से आपको बता रहे हैं। और ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल भी जरूर आएगा कि जो कंपनी शुरुआत से ही इतने घाटे में है, उसे इलॉन मस्क जैसा समझदार उद्योगपति 3,62,000 करोड़ रुपए में क्यों खरीद रहा है, और आखिर ट्विटर में ऐसा क्या है कि इलॉन मस्क को यह घाटा नजर नहीं आ रहा, तो इसके पीछे क्या है अब आपको यह समझने की आवश्यकता है। इलॉन मस्क ने एक चिट्ठी के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। चिट्ठी मैं अपने साथ लाया हूं, आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ट्विटर को पैसा कमाने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने ये डील मानवता के लिए की है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसी चिट्ठी में वो ये भी लिखते हैं कि वो ट्विटर को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां अलग अलग विचारधारा के लोग बिना हिंसा और नफरत के एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सके। उनकी कुछ लाइन है जो मैं आपको आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी आज लिखी है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, और वो कहते हैं, द रीजन आई एक्वायर्ड ट्विटर इज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन टू हैव अ कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर अ वाइड रेंज ऑफ बिलीव्स कैन बी डिबेटेड इन अ हेल्दी मैनर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। वो ऐसा लिख रहे हैं और आगे जाके वो ये भी कह रहे हैं, आई डिडंट डू इट टू मेक मोर मनी, आई डिड इट टू ट्राई टू हेल्प ह्यूमैनिटी whom I love। तो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं किया है और वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, इस दुनिया में बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा उद्योगपति जब कोई बिजनेस डिसीजन भी लेता है या अपने हिसाब से कोई बड़ा फैसला लेता है, तो वो ये नहीं कहता कभी भी कि ये मैंने मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए लिया है। ज्यादातर लोग, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, उद्योगपति भी एक तरह से नेता ही बन जाते हैं जब वो सार्वजनिक रूप से अपने कोई बयान देते हैं, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं अपने हर फैसले के पीछे कि वो ये मानवता के लिए कर रहे हैं। और इलॉन मस्क ने ये सब मानवता के लिए किया है, और एक तरीके से इस चिट्ठी में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए किया है ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकें और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन्हें एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने विचारों को दुनिया के साथ शेयर कर सके। इस चिट्ठी में इलॉन मस्क लिखते हैं कि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी ऐसे ही लगातार मिलती रहे और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते रहे। अब यहां पर भी एक बड़ा सवाल है, वो ये, क्या इस डील के पीछे सिर्फ मानवता है और सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? हमें ऐसा नहीं लगता। असल में इलॉन मस्क ने ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीद लिया क्योंकि वो जानते हैं कि आज के इंटरनेट के युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है, वो काम एक शक्तिशाली बॉम्ब भी नहीं कर सकता। यानी इलॉन मस्क ट्विटर की क्षमता को समझते हैं, उसकी ताकत को समझते हैं, और वो जानते हैं कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, नेता और ब्लूटिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। यानी वो ट्विटर की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्विटर दुनिया का एकमात्र ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के एक बड़े हिस्से की विचारधारा को प्रभावित करने की ताकत रखता है। दुनिया में ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या वैसे तो सिर्फ 33 करोड़ के आसपास है और यह अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। यानी आज अगर ट्विटर नाम का कोई देश होता तो इसकी आबादी अमेरिका के बराबर होती। फिलहाल अमेरिका में ट्विटर के सबसे ज्यादा 7.5 करोड़, जापान में 5 करोड़ 90 लाख, भारत में 2 करोड़ 36 लाख, ब्राजील में 1 करोड़ 90 लाख और इंडोनेशिया में ट्विटर के 1 करोड़ 80 लाख यूजर्स हैं। ये ट्विटर की जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, ये हमने उनके बारे में आपको बताया है। भारत तीसरे नंबर पर है ट्विटर की मार्केट्स में।
यानी फेसबुक से अगर हम तुलना करें तो ट्विटर एक बहुत ही छोटा प्लेटफॉर्म है यूजर्स के अगर हम बात करें तो, क्योंकि फेसबुक के दुनिया में 291 करोड़ यूजर्स हैं जो कि ट्विटर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। लेकिन बड़ा पॉइंट यह है कि ट्विटर का प्रभाव उसके बिजनेस के साइज और यूजर्स की संख्या से कहीं ज्यादा बड़ा है और विस्तृत है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म लोगों को एक ऐसा मंच देता है जहां खबरें भी ब्रेक होती हैं, नैरेटिव्स भी गढ़े जाते हैं, यहां ट्विटर के जरिए चुनाव भी लड़े जाते हैं, एक दूसरे की छवि बनाई जाती है, एक दूसरे की छवि बिगाड़ी जाती है, बड़े बड़े नेता अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं और फिर उन बड़े बड़े नेताओं की पोल भी इसी ट्विटर पर खोली जाती है। और यही बात ट्विटर को एक बहुत ही शक्तिशाली टूल यानी हथियार के रूप में स्थापित करती है, और अब यह हथियार इलॉन मस्क का है। आज आप क्या सोचते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपके राजनीतिक विचार क्या हैं, आपकी विचारधारा क्या है, अपने देश और अपनी सरकार को लेकर सोच क्या है, अलग अलग मुद्दों को लेकर आपकी क्या धारणाएं हैं, इसका सारा डेटा आज इन तमाम सोशल मीडिया कंपनियों के पास है। और किसी भी कंपनी के पास आपका यह सारा डेटा होने का मतलब है कि वो आपके तमाम फैसलों को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकती है, और इस मामले में भी ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। आज ट्विटर को खरीदने से इलॉन मस्क के पास दुनिया के करोड़ों लोगों का डेटा उपलब्ध हो गया है, जिनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं। यानी आज अगर इलॉन मस्क चाहें तो वो किसी भी देश की सरकार और वहां के समाज पर अपनी नीतियों के हिसाब से असर डाल सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि वो ऐसा करेंगे ही, ये कहने का तो अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके पास अब ये ताकत जरूर आ गई है। वैसे ट्विटर की सॉफ्ट पावर का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज दुनिया के जो 1000 सबसे प्रभावशाली लोग हैं उनमें से 900 से ज्यादा, 1000 में 900 से ज्यादा जो शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं वो ट्विटर पर हैं। और सबसे अहम, आज ट्विटर पर दिन भर कोई ना कोई मुद्दा या खबर ट्रेंड करता रहता है। आप भी देखते होंगे जब ट्विटर पर जाते होंगे कि देखते हैं आज क्या ट्रेंड कर रहा है, और इन्हीं ट्रेंड्स में कई बार फेक नैरेटिव्स भी होते हैं जिनकी पहचान करना आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ट्विटर के एक पूर्व कर्मचारी ने एक बार कहा था कि यह प्लेटफॉर्म विचारों को नहीं बल्कि नैरेटिव को गढ़ने का काम करता है, और ये नैरेटिव कई बार इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनकी मदद से बड़ी सरकारें भी दबाव में आ जाती हैं और इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद अक्सर खड़े हो जाते हैं। ट्विटर की ताकत को आप एक और उदाहरण से आज समझ सकते हैं। कुछ महीनों पहले इलॉन मस्क ने भारत सरकार से यह अपील की थी कि वो टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भारत में लॉन्च करने में मदद करें, और इसके लिए विदेशों में बनने वाली गाड़ियों पर जो 100% इंपोर्ट ड्यूटी भारत में लगाई जाती है उस इंपोर्ट ड्यूटी को भारत सरकार उनके लिए माफ कर दे, उनके लिए ये डिस्काउंट दे दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर इलॉन मस्क वाकई में भारत के लोगों को अपनी गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियों का निर्माण चीन या किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में आकर करना होगा। यानी सिंपल भाषा में आपको बताएं तो भारत सरकार ने कहा कि आप अपनी टेस्ला गाड़ियों की फैक्ट्री भारत में लगाइए, जब आप भारत में निर्माण करेंगे गाड़ियों का तब आपको टैक्स से छूट मिलेगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप गाड़ियों का निर्माण करें चीन में और भारत सरकार से उन पर टैक्स की छूट मांगे, यह नहीं होगा। लेकिन इलॉन मस्क इसके लिए तैयार नहीं हुए, यानी भारत में वो अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते और उन्हें टैक्स में रियायत पूरी चाहिए, और वो इंपोर्ट ड्यूटी में छूट की लगातार मांग पर अड़े रहे। हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार जब नहीं झुकी तो इलॉन मस्क ने इसी ट्विटर पर यह लिखा कि वो तो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भारत में बेचना चाहते हैं लेकिन उन्हें भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भारत में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना एक ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि वो तो आना चाहते हैं भारत में लेकिन भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए चुनौतियां बहुत हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। यानी उन्होंने भारत के लोगों तक पहुंचने के लिए इसी ट्विटर का सहारा लिया था। लेकिन सोचिए अब जब यह पूरा प्लेटफॉर्म ही उनके हाथों में चला गया और भविष्य में अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कराने के लिए इस पर कोई हैशटैग अगर ट्रेंड कराए जाते हैं
और इस पर कोई आंदोलन चलाकर यह कहा जाता है कि भारत के लोग असल में इंपोर्ट ड्यूटी के खिलाफ हैं, तो सोचिए तब क्या होगा। कल्पना कीजिए कि भारत में एक खबर ट्रेंड करने लगे और वो ये है कि भारत के लोग टेस्ला खरीदना चाहते हैं और लगातार भारत के तमाम विपक्षी नेता मांग करने लगे कि इलॉन मस्क को तो यही अपनी गाड़ी बेचने की इजाजत मिलनी चाहिए और ये खबर ट्रेंड करने लगे और इस पर भारत सरकार को दबाव में डालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है इसके पास तमाम वो शक्तियां हैं जो लोकतांत्रिक सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को भी हिला सकती हैं। और हमारे देश में तो राजनीति भी ऐसे होती है जिसमें देश से ज्यादा निजी हितों को देखा जाता है। जैसे इसी मामले में जब भारत सरकार कमजोर नहीं पड़ी तो हमारे ही देश में तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इलॉन मस्क को अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित कर दिया और इन राज्यों की सरकारें तब मोदी के विरोध करने के चक्कर में देश के खिलाफ चली गईं और उन्हें लगा कि अगर मोदी इलॉन मस्क को एंट्री नहीं दे रहे हैं यानी मोदी का दुश्मन हमारा दोस्त। हालांकि सबके बीच एक अच्छी बात यह है कि इलॉन मस्क खुद ये मानते हैं कि ट्विटर को अपनी कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है क्योंकि इससे पहले ट्विटर कई मौकों पर भारत सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर चुका है और उसने खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताते हुए भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में बाकायदा मुकदमा भी किया था। आपको याद होगा उस समय भारत सरकार फेक न्यूज फैलाने वाले और देश के खिलाफ कट्टरपंथी साजिश रचने वाले लोगों के ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी। भारत सरकार ने एक लिस्ट भेजी ट्विटर को और कहा कि ये जो लोग हैं ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल है, इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ट्विटर जो है वो इस मामले को ये कहते हुए अदालत में ले गई कि भारत सरकार फ्री स्पीच के खिलाफ है और वो लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। बड़ी बात यह है तब ट्विटर ने इस केस के बारे में इलॉन मस्क को भी कोई जानकारी नहीं दी थी और इसके बाद अमेरिका की एक अदालत में इलॉन मस्क ने इस मुद्दे पर बड़ी गंभीर बात कही थी। उन्होंने अमेरिका की अदालत को क्या बताया था वो दस्तावेज आज हमने निकाला है और मैं आपको आज वो पढ़कर बताना चाहता हूं। इलॉन मस्क ने अदालत को बताया, वहां पर उन्होंने कहा, इन 2021 India's Information Technology Ministry imposed certain rules allowing the government to probe social media posts, demand identifying information, and prosecute companies that refuse to comply. While Musk is a proponent of free speech, he believes that moderation on Twitter should now close to the laws of countries in which Twitter operates. So, unki taraf se adalat ko ye bataya gaya ki wo ye nahi chahte कि ट्विटर भारत सरकार से जो है इस मामले में टकराव की स्थिति में आए और उन्होंने यह भी कहा था तब कि भारत जो है वो ट्विटर के लिए इतना बड़ा मार्केट है और ट्विटर कंपनी इतनी बड़ी मार्केट में वहां की सरकार के खिलाफ स्टैंड कैसे ले सकती है। और उनका यह मानना है कि ट्विटर जिस भी देश में है वहां उसे उस देश के कानून मानने चाहिए, उस देश का संविधान मानना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी जो ऐसा लगता है कि ट्विटर भारत सरकार के खिलाफ एक स्टैंड लेता आया है उसमें बदलाव आएगा और इलॉन मस्क जो है उनकी जो राय है वो काफी अलग है।